आज देश में एक साथ दो बातों की चर्चा है। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन, और दूसरी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का व्यवहार, उनका आचरण, उनके वक्तव्य। कहां से शुरू करूं? आज ही मैंने राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा है। वो लिखते हैं, देश का माहौल बिगड़ने वाला है। दिग्विजय सिंह जी लगातार 15 दिनों से राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को टालने के लिए कई प्रकार के बहाने बना रहे हैं कि मुहूर्त तो नहीं है, अन्य कोई कारण बता रहे हैं। और तीसरे, कमलनाथ जी जो राम मंदिर निर्माण का स्वागत कर रहे हैं, यह वास्तव में कांग्रेस पार्टी का कालनेमी चरित्र है। अभी हमने पिछले दिनों पूरे परिवार के साथ बैठकर रामायण धारावाहिक को देखा है कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी जब शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की तरफ जाते हैं। रास्ते में साधु का वेश धरकर कालनेमी नाम का राक्षस बैठ जाता है, हनुमान जी को रोकने का प्रयास करता है, उनको भटकाने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी उसको पहचानते ही उसका वध करते हैं और संजीवनी बूटी ले जाकर भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। ये वास्तव में चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हो, यह वर्तमान में कालनेमी की भूमिका का ही निर्वहन कर रहे हैं। हम सबको याद है, कपिल सिब्बल ने लगातार, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राम मंदिर को अटकाने भटकाने लटकाने की गुहार और मनिहार सुप्रीम कोर्ट तक में किस प्रकार से की। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने यह कहा था कि राम मंदिर निर्माण देश के लिए इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए अदालत इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई करके अपना समय बर्बाद ना करे। पहली बात। दूसरी बात, मैं 1949 से शुरू करता हूं, जब अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, वहां पूजा अर्चना की जाने लगी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत उसको रोकने के प्रयास में अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन उस समय देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, तो अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको अयोध्या आने से रोक दिया। 1966 में साधु संतों के ऊपर दिल्ली में संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने गोली चलवाकर उनको मौत के घाट उतारा। पता नहीं कितने साधु, आज तक उसकी गिनती नहीं हो पाई है, उस गोलीकांड में मारे गए। तो ये कांग्रेस साधुओं की हत्यारी कांग्रेस भी है। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए तो कांग्रेस पार्टी ने उस खुदाई को रुकवाने का काम किया। 1992 में मुलायम सिंह की हत्यारी सरकार, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था, उसको समर्थन देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मनमोहन सरकार ने तो हद ही कर दी, और उस सरकार में तो माननीय कमलनाथ जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। जब कैबिनेट के प्रस्ताव पर मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया था कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं, वास्तविक पात्र नहीं है, किसी कवि की कल्पना है, ना ही कभी भगवान राम हुए, ना ही राम रावण युद्ध हुआ, और ना ही उन्होंने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया। अब आप कांग्रेस का चरित्र इस बात से जान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार 70 साल तक आजादी के बाद राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने का काम किया है। यह लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। सन 1036 में एक मुस्लिम शासक ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त किया था, और जब वो ध्वस्त करके वापस लौट रहा था तो राजा सुहेल देव ने युद्ध करके उसको मौत के घाट उतारा था। 1036 से चला संघर्ष 2020 तक लगातार चलता रहा। इस 1000 साल के कालखंड में 76 युद्ध हुए। 1528 में तो बाबर ने वहां पर 1526 में बाबर ने अयोध्या में डेरा डाल दिया था, और 1528 में मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर उस मंदिर को, राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था। तब से अब तक 76 खूनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। कानूनी लड़ाई जो 1885 से लड़ी जा रही है वो अलग है, और कांग्रेस पार्टी ने उन सारी हमारे बलिदानियों के बलिदान को, सारी लड़ाइयों को विस्मृत कराने का पाप भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस देश की जनता को राम मंदिर के
राम मंदिर के ध्वस्त होने के, राम मंदिर पर या हिंदुओं पर किए गए अत्याचार की बात जनता के सामने नहीं लाने देने का भी पाप करने का काम किया है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से ये बोलना चाहता हूँ कि राम सबके हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, राम सबके हैं, सब में राम है। देखिए ना आप, जब रावण को भगवान राम ने मारा, तब मरते मरते रावण ने जय श्री राम नाम का उल्लेख किया था। इसका अर्थ यही नहीं हुआ कि लोगों ने सीता हरण के रावण के पाप को भुला दिया। इसका अर्थ यही भी नहीं हुआ कि लोगों ने साधु संतों की हत्या के पाप को जो रावण द्वारा किया गया था भुला दिया। हजारों साल से, 7000 साल से हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। हजारों साल से उसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी दहन किया जाता है। और कालनेमी जैसे पात्र को लगातार समाज को जागृत करने के लिए लोगों के सामने लाया जाता रहा है। तो आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस के पाप कैसे धुलेंगे, कांग्रेस के पाप को जनता कैसे भुलाएगी। मैंने एक एक करके आपको सारी बातें बताई हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो ये बात करते हैं मूर्त की, तो मैं बोलना चाहता हूं कि काशी विद्व परिषद के विद्वानों ने मुहूर्त को बिल्कुल सही ठहराया है। और दिग्विजय सिंह जी के गुरु ने दिग्विजय सिंह जी के कान में जो मंत्र फूंका था कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, दिग्विजय सिंह जी के गुरु को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के गुरु ने काशी विद्व परिषद के ज्योतिषियों की शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अर्थ साफ है, दिग्विजय सिंह और उनका कुनबे से मतलब राजनीतिक कुनबा, उनकी विचारधारा का कुनबा लगातार राम मंदिर को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास करता रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 1950 में जनसंघ की से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक अपने हर घोषणा पत्र में या जनता के बीच जाकर श्री राम मंदिर के निर्माण की बात करती आई है, करती रही है। और आज पूरा देश उत्साह, उमंग, उल्लास के वातावरण से अभिभूत है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वहां पर अयोध्या की भूमि पर जाकर, अयोध्या की धरती पर जाकर, अयोध्या की मिट्टी पर पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया, तो देश के प्रत्येक नागरिक का रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद से भरपूर हो गया। उसको दो प्रधानमंत्रियों की तुलना या अंतर आज भी नजर आया कि एक नरेंद्र मोदी हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जाकर भूमि पूजन करने का काम कर रहे हैं, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब सोमनाथ में सरदार पटेल ने जीर्णोद्धार कराया मंदिर का, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी गए लेकिन नेहरू ने जाने से मना कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जीर्णोद्धार का विरोध भी किया था और उस कार्यक्रम में भी जाने से इनकार कर दिया। ये दो प्रधानमंत्रियों का अंतर है। तो आज पूरा देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व करता है। आज पूरा देश अपने दिए हुए वोट की कीमत जानते हुए देश के लोकतंत्र को और मतदान की प्रक्रिया को भी प्रणाम करता है कि उसको नरेंद्र मोदी जैसे सच्चे भारत मां के सपूत को चुनने का अवसर मिला। मैं एक बार पुनः फिर से सभी देशवासियों को आज श्री राम मंदिर के निर्माण की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।